गणपति बप्पा मोरिया सबकी चिंता हरे लिया। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों आज हम इस ब्लॉग में आपको चिंतामन गणेश मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं जो कि उज्जैन में अवस्थित है। दोस्तों उज्जैन दर्शन के सीरीज में ये मेरा छठा वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों यह मंदिर उज्जैन यानी अवंती के दक्षिण में स्थित है। इसका पुनर्निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। इसके पश्चात अहिल्याबाई द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है, ऐसा कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो प्रतिमा बनी हुई है भगवान गणेश की, तीन प्रतिमा है। सबसे जो बड़ी प्रतिमा है जिसका नाम श्री चिंतामन गणेश जी है, इसका निर्माण भगवान राम ने किया था, तथा बीच में श्री इच्छामन गणेश जी का है जिसका निर्माण श्री लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया था, एवं जो सबसे छोटी प्रतिमा है जो श्री सिद्धि विनायक के नाम से विराजमान है, इसका निर्माण श्री सीता जी ने किया था। इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने तब किया था जब वो वनवास का 14 वर्ष व्यतीत करने जा रहे थे, तभी उन्होंने गणेश जी की पूजा किया था। इस मंदिर में ये धूप चढ़ाया जाता है, इसको हम लोग डुबड़ी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो गाइस अब चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर प्रांगण में आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो ये सबसे पहले जो बड़ा दरवाजा बना हुआ है, चलिए हम लोग गणेश भगवान को नमन करके अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंदिर में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, इसलिए कुछ तरफ बैरियर लगा दिया गया था ताकि लोग परेशान न हो, और बगल से रास्ता बना हुआ था जहाँ से सभी श्रद्धालु मंदिर के अंदर जा रहे थे दर्शन के लिए। चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सर्वविदित है, हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की वंदना की जाती है। तो चलिए हम लोग भी शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक जीव देना गोरी नंदना गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए दोस्तों दर्शन कर लीजिए चिंतामन गणेश हरण भगवान की। दोस्तों यह जो गणेश जी है इसे चिंता हरण गणेश जी भी बोलते हैं यहाँ के लोकल पुजारी के अनुसार। जानकार लोगों के मुताबिक लोग सबसे पहले अपने घर में शादी वगैरह का जो शुभ कार्य होता है उसका सबसे पहला निमंत्रण पत्र अर्थात शादी का कार्ड इसी मंदिर में आकर के चढ़ाते हैं ताकि उनका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ऐसी मान्यता है कि भक्तगण जो भी मन्नत होती है वो लेकर इस मंदिर में आते हैं, और मन्नत पूरा करने के लिए श्री गणेश जी की प्रतिमा पर सिक्का भी चिपकाते हैं। अगर सिक्का एक बार में चिपक गया तो ऐसा माना जाता है कि उनका कार्य जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मंदिर में रक्षा सूत्र यानी धागा भी बांधते हैं एवं उल्टा स्वस्तिक भी बनाते हैं, और बाद में जब कार्य संपन्न हो जाता है अर्थात मन्नतें जब पूरी हो जाती है तब फिर वो लोग आकर के उस धागा को खोलते हैं और भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करते हैं, तथा जिनकी कार्य सिद्धि हो जाती है अर्थात जिनकी कार्य पूरी हो जाती है वो आकर के सबसे पहले इसी मंदिर में आकर के दर्शन करते हैं। इससे इस मंदिर का जो मान्यता है काफ़ी बढ़ जाता है और श्रद्धालुओं के मन में
इतनी भक्ति और इतनी शक्ति आ जाती है कि लगता है कि नहीं, यहाँ पर सबकी मान्यता पूरी होती है। तो दोस्तों, ऐसे तो यहाँ पर हमेशा ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन चैत मास के प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर यात्रा पर्व मनाया जाता है, जिसमें भक्तों का तांता लगा रहता है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो दोस्तों, उज्जैन दर्शन में मैंने आपको इस चिंताहरण गणेश मंदिर का दर्शन कराया। अब कमेंट करके आप बताएंगे कि आप पहले यहाँ कभी आए थे तो आपको कैसा लगा था। और दोस्तों, अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।